काम हो गया कि और क्यों यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, अभी है टाइम सुबह का और मैं खाना बना के आ चुकी हूँ लड्डू के लिए। औरों का भी नहीं बनाया है क्योंकि जब खाएंगे तभी बनाऊंगी। और लड्डू अभी स्कूल के लिए रेडी है और मैं लेने आई थी स्कूल के लिए चिप्स। अभी उसका फेस देखना, ये काफ़ी दिन पहले लेके आए थे अनूप और ये तब से ही रखे हुए हैं, एक महीना होने वाला है तो मैंने सोचा आज दे ही देती हूँ और उसका रिएक्शन देखती हूँ फेस का। उसको बस मज़ा आता है ये सब चीज़ें खाने में, बच्चों को तो सारों को ही मज़ा आता है ये सारी चीज़ें खाने में, तो अभी देखना उसका रिएक्शन। लड्डू ले, कौन लाए? पापा जी लाए थे, तब आए थे तब। नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं एक्सपायर होते। तो फोन बंद कर दो, मैंने चिज्जी भी दे दी तेरे को। तो देखा रिएक्शन मैडम का, वैसे कैमरे को देख के वो थोड़ा चेंज करेगी, वैसे ये वाला नहीं होना था। खुश होती है बहुत ज्यादा, कैमरे को देख के थोड़ा सा चुप रहेगी और अलग ही फेस बनाया एकदम से। तो अभी मम्मी कर रही है एक्सरसाइज घुटनों के दर्द की। मम्मी को काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है घुटनों में और कमर में, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हैं, थोड़ा आराम रहता है। बस है नीचे गिर जाएगा। ओए गज्जे, विगत दिन खा के अंदर रख का पी ले, ये जल पी ले, जल पी ले, वो जल पी ले, पानी पी ले, उसमें पानी है, पानी है उसमें गिलास में, वो पानी पी ले। ये गद्दा अंदर रख का, अंदर रख का ये गद्दा अपने, बारिश में भी जगह यहाँ अंदर रखे इसको। वारे मेरे बे पोते पोते काम का पोता काम करा इस तो पति घना काम करया करेगा हमारे पापा की डाला कमेरा बनेगा तो पापा भी घना काम करया करता हूँ लक्षा था जी। अंदर जाकर हाँ खड़ा करे ना अलमारी के सारा खड़ा कर पा कर दे कर दे कर दे वेरी गुड थैंक यू बहुत अच्छा। अब दादू पूछ ले, बोल ले कहते दे नीचे पूछ, नीचे पूछ का होगा। तो घर के बाकी सारे काम निपटा के अभी लास्ट काम यही होता है कि मैं दूध रख के फिर नीचे जाती हूँ गर्म होने के लिए, तो आरे में रख के जाती हूँ। अभी मॉनसून चल रहा है तो डेली बारिश आ ही जाती है, दो तीन दिन में आ जाती है या फिर डेली भी आ जाती है, तो अभी काफ़ी बारिश का मौसम चल रहा है और तेज़ भी आ जाती है तो कहीं कहीं से पानी आने लग जाता है छत पे से, तो उसी का इलाज करने अभी मैं जा रही हूँ। प्रिया जी ने ला के दी है सीमेंट और मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ और इसको पूरी छत पर लगा दूँगी, जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से पानी आ रहा था। मैंने सारे घर में नीचे चेक किया, जहाँ जहाँ पानी आ रहा था मैं वहाँ वहाँ लगा देती हूँ। पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, पतला पतला सा ही है, ऐसा ही बोला था मेरे को पिताजी ने कि ऐसा कर लेना, और अनूप को भी जैसे मैं देखती हूँ ऐसा ही तैयार करते हैं। तो अभी चलती हूँ मैं छत पे, देखती हूँ पहले कहाँ लगानी है। ऐसे किचन पे काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा था तो लगी भी हुई है पहले, लेकिन इसे काम नहीं चलता, इसमें से भी छिद्र निकल जाते हैं कहीं कहीं से, तो निकले हुए हैं, पतली पतली सी लाइन बनी हुई है उसी में से पानी आ रहा था। पूरी रात को काफ़ी तेज़ बारिश आई थी और पूरी रसोई मेरे को गिल्ली हुई मिली थी काफ़ी, इसका मतलब काफ़ी बारिश तो वैसे काफ़ी तेज़ ही थी। तो सीमेंट लगाने से पहले मैंने यहाँ सफाई कर ली थी झाड़ू के साथ, वैसे मुझे ये सब पता नहीं था, लेकिन मैंने जैसे अनूप को देखा लगाते हुए, सिविल इंजीनियर की पत्नी हो तो इतना कुछ तो आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अभी
वहाँ लगा दिया है मैंने किचन पे, अभी मैं पूरी छत पे लगा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने घोल रखी है तो जहाँ जहाँ मेरे को छिद्र दिख रहे हैं थोड़े बहुत मैं वहाँ वहाँ इसको भर देती हूँ ब्रश के साथ, क्योंकि मैंने इसको और भी पतला कर लिया है ब्रश के साथ, फिर वो अंदर चला जाता है क्योंकि बहुत बारीक बारीक छिद्र है तो ब्रश के साथ ईजिली अंदर घुस जाते हैं, सही हो जाता है। फिर पता नहीं नीचे कौन बैठा हुआ है, देखती हूँ जाके, वैसे मांगने वाले ही लग रहे हैं, गली में आ जाते हैं कोई कोई मांगने वाले। लड्डू आ गई थी स्कूल से, मैं इसके लिए ऊपर दूध लेने के लिए गई थी, तब अभी मैं 5 मिनट भी नहीं लगा के आई, इतनी देर में मेरे को सोती हुई मिली। और सोने का स्टाइल देख लो, तियांश को भी कैसे लेटा रखा है, मैंने तब गई थी तब तियांश का फेस उधर था और आई तो ऐसे ही मिला, और ऐसे इतने प्यार से लेट के दोनों सो रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। शर्मी शर्मी क्यों कर रहे हो? कितनी शर्म आ रही है इसने, देख वीडियो बना ले इसकी शर्माओ की, अरे आंखें दिखाओ 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 गंजे कहाँ लेके जा रहा है, क्या है और इसमें इधर देख, मेरी तरफ इधर देख, इतनी शर्मीली। तो अनूप कपड़े चेंज करते ही लग गए थे अपने काम में और उन्होंने फाइनली अपना काम कर दिया, दवाई रख दी है अपनी टंकियों में सारियों में। आज गाड़ी अभी तक यहीं खड़ी थी तो आप भी छोड़ के आएंगे अनूप। आज बच्चों के पापा आए हैं तो बच्चे पापा के साथ बिजी हैं, आज मैं फ्री हूँ और दोनों पापा के कंधे पे बैठ जाते हैं।